हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज में, मान लेते हैं कि एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ये मान लेता हूं मैं ए समकोण है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और कोण है उसमें 90 है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है ना, जो तो सिद्ध करना है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी ये जो BC का वर्ग है, वो शेष दो भुजाओं जैसे लंब और जमा आधार का स्क्वायर का जोड़ होता है। तो लंब मान लेते हैं AB और जमा ये हो जाएगा AC का वर्ग होता है। मतलब ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम एक रचना करेंगे। हम यहाँ ए से ना इस भुजा BC के ऊपर एक लंब खींचेंगे, तो इसका नाम लिख लेते हैं D। तो लिख देंगे कि AD लंब BC खींचा। तो हम यहाँ से ना एक लंब खींच लेंगे। तो लंब खींचने के बाद अब ना इसके अंदर दो त्रिभुज दिख रहा है, एक ये छोटा वाला और एक ये वाला, दो छोटे और एक ये बड़ा। तो इस छोटे वाले को ना मान लो कि मैंने ना इसे कैंची से काट के यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो छोटे वाले में डी 90 है, बी यहाँ पे है और ए ऊपर है। तो देखो, तो छोटे वाले में डी 90 है, तो बड़े वाले में कौन 90 है, ए। तो इसी के सामने ना ए बना लो ऐसे, क्योंकि पहले इन्हें समरूप प्रूफ करना है। तो देखो, बड़े वाले में ए 90 है, तो ए यहाँ लिख दो। अगर डी यहाँ 90 है ना, तो बड़े वाले में मान लो ये 90 है। अब देखो, बी दोनों में उभयनिष्ठ है, ये छोटे में भी उभयनिष्ठ है और बड़े में भी आता है, दोनों में आता है ना, दोनों में कॉमन है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अगर बी यहाँ आ रहा है, तो इसमें भी बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब बड़े वाले क्या नाम था, ए बी सी नाम था ना, ए बी सी, तो हमने ए बी लिख दिया, तो क्या बच गया, सी। तो ए बी सी। अब त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, ए बी, चलो यहां से लिख लो ए बी सी की जरा, इसको लिख लो डी बी ए, तो डी बी ए और इसका नाम लिख दो ए बी सी। इसको ना समरूप करने के लिए हमें दो कोण बराबर चाहिए। देखो, एंगल बी ना दोनों में आता है, इस छोटे में भी आता है, बड़े में भी आता है। तो लिख देंगे एंगल बी बराबर एंगल बी, लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब बड़ा वाला लिखेंगे जिसमें 90 आता हो। देखो, इस छोटे वाले में डी 90, बड़े वाले में ए 90, तो यहाँ डी 90 यहाँ ए 90, तो एंगल डी 90 और बड़े वाले में ए 90, तो लिख दो प्रत्येक 90 डिग्री। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं ना, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो दोनों समरूप हो गया, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, ये जरूर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ना अब हम भुजाओं और त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात में लिखेंगे, जिसमें ये भुजा ए बी आती हो, ठीक है। ए बी देखो, ए बी इसमें आता है, तो ए बी और ये वाली भुजा में लिखना पड़ेगा बटे में बी सी, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो उनकी भुजाओं को हम अनुपात में लिखते हैं। तो ए बी बटे में ये वाला, इसको हम ए सी बी लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है, बराबर। अब देखो, ए बी इसमें आ रहा है ना, तो ए बी इसमें भी आ रहा है, तो अब ये वाले को लिखने के लिए पहले ये लिखना पड़ेगा। तो बी डी, सॉरी यहां से लिख दो डी बी ए बी, तो यहां लिख दो डी बी, पहले इस त्रिभुज में से लिखना पड़ता है डी बी और फिर इस त्रिभुज में से ए बी, तो ये हो जाएगा बाय सीपी सीपी एस टी। अब तिरछा गुना करोगे तो ए बी इससे गुना हो जाएगा, तो ए बी गुना ए बी बराबर ये इससे गुना हो जाएगा, तो सी बी और गुना सी बी गुना सी बी गुना डी बी, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और ये ए बी ए बी गुना करके ए बी का स्क्वायर लिख लेंगे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर सी बी गुना डी बी, इसको इक्वेशन अब फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है।
तो जैसे मैंने ये लिखा ना, तो ऐसे ही अब ये इधर वाला लिखूंगा। अब इधर वाला है, इधर बना लेते हैं। तो सोचो अगर मैं इसको ऐसे कैंची से काट दूं ना अगर, तो ये कट के क्या आएगा, ए डी सी। तो मान लो ये आ गया ए डी सी। अब बड़े वाले को ना ऐसे पलट के इसके साथ ऐसे रख देंगे हम किनारे में। देखो इस छोटे वाले में डी 90, इस बड़े वाले में ए 90। तो छोटे में डी 90, तो बड़े में ए 90। अब देखो एंगल सी दोनों में आता है ना, इस छोटे में भी आता है बड़े में भी आता है। तो अगर सी यहाँ आ रहा है ना, तो सी पक्का यही होगा, तभी ये समरूप लगेगा छोटा बड़ा। तो हमने ए लिख दिया, सी लिख दिया, तो क्या लिखना रह गया, बी। तो हम मान लेते हैं बी है। अब इसकी इसमें भी पहले दो त्रिभुज दो कोण मिल ही जाएंगे बराबर, एक छोटे वाले में डी, बड़े वाले में ए, और सी दोनों में विनिष्ठ त्रिभुज लिख देंगे ये वाला डी ए सी, और त्रिभुज ले लेंगे ये वाला ए बी सी। कैसे भी नाम रख सकते हो, कोई मर्जी है, कोई भी रख सकता है ए डी सी ऐसे ऐसे। अब लिख दो एंगल डी और एंगल ए, दोनों में क्या हो गया, प्रत्येक 90 डिग्री। फिर अगला क्या हो जाएगा कि सी सी कॉमन, देखो सी सी उभयनिष्ठ है, तो यानी सी और सी उभयनिष्ठ हो गया। फिर उसके बाद त्रिभुज डी ए सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। तो कसौटी से अब हम त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात में लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे कि इसमें ए सी आ जाता है। वो देखो ए सी यहाँ आ रहा है, तो इसके बटे ये लिख देंगे, तो ए सी बटा बी सी। ऐसे ही फिर ना ये वाला ए सी यहाँ आ रहा है ना, तो ये लिख देंगे डी सी बटा ए सी, तो डी सी बटा ए सी इसको लिख देंगे बाय सी पी एस टी। अब इसको तिरछा गुना करोगे तो ए सी गुना हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर, और इधर गुना हो जाएगा तो बी सी गुना डी सी। ये क्वेश्चन दो आ गया। अब समीकरण एक व दो, ये जो समीकरण अभी एक आया था ना, तो समीकरण एक और दो जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं, तो ये ए बी का स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा इस वाले ए सी के स्क्वायर से। ऐसे ये वाला ये सी बी है ना, इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सी बी है ना, जैसे कोई रेखाखंड है उसको हम ए बी बोल रहे हैं ना, तो उसको हम बी ए भी बोल सकते हैं, वही रहता है। तो ऐसे सी बी को बी सी लिख दो गुना डी बी, और प्लस ये वाला ऐड कर दो, तो बी सी गुना डी सी। अब बी सी बी सी सेम है, कॉमन ले लो, तो बी सी कॉमन आ जाएगा, और बच जाएगा डी बी और प्लस डी सी। अब चित्र में देखो डी बी डी बी और डी सी जुड़ेगा तो ये लाइन सीधी बन जाएगी ना, मतलब डी बी और डी सी जुड़ेगा तो बी सी बन जाएगा। तो हम इन दोनों को जोड़ के क्या लिख देंगे, बी सी। तो बी सी दो बार आ गया, तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमें यही प्रूफ करना था कि बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो आ गया बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः एक संपूर्ण त्रिभुज में, पेपर में पूरा लिखना होता है, अतः एक संपूर्ण त्रिभुज में त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32वां, केंद्र ओ वाले वृत्त पर, केंद्र ओ वाले वृत्त पर मान लो ना कि ऐसे कोई वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ओ है। कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से, तो कोई बाहर बिंदु मान लो ये टी है, तो टी से दो स्पर्श रेखाएं, मान लो दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, तो स्पर्श रेखा वो होती है ना जो एक बिंदु से छूके जाती है वृत्त को। तो हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं टीपी, तो ये टीपी हो गया और टी क्यू, ये टी क्यू हो गया, ठीक है। फिर आगे कहता है सिद्ध कीजिए कि एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी ये वाला कोण डबल है OPQ, तो OPQ इसको ऐसे मिलाएंगे ना अभी, तो OPQ इस वाले कोण से ना, इस वाले कोण से ये वाला कोण डबल है ना, ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको करते हैं। तो माना O वृत्त का केंद्र है और T बाह्य बिंदु है, तथा TP और TQ दो स्पर्श रेखा है, और सिद्ध करना है कि PTQ ये वाला जो कोण है ये डबल है ओ पी क्यू, इस कोण का डबल है। तो हम कैसे करेंगे इसको,
ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले हम मान लेंगे कि पी टी क्यू, ये मान लेंगे ना कि ये थीटा है, ठीक है, इसको हम थीटा मान लेंगे, सही है। अब त्रिभुज दिख रहा होगा ये वाला पी टी क्यू, त्रिभुज पी टी क्यू में, तो पी टी क्यू में क्या दिख रहा होगा कि ये दो भुजाएं बराबर है। हम जानते हैं ना कि वृत्त के बाहर भुजा खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है, तो हम ना बराबर ले लेंगे, तो कौन सी भुजा बराबर ले लेंगे, ये वाली टीपी बराबर टी क्यू, है ना, ये दो भुजाएं बराबर ले लेंगे। और तुमने पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तो कोण इस वाला, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम लिखता हूं एंगल एक बराबर एंगल एक बराबर एंगल दो, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, अब ये कहीं काम आएगा इसलिए लिखा हूं। अब उसके बाद त्रिभुज ले लोगे यही वाला टी पी क्यू में, अब तुम जानते हो ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री ले लो, तो ये वाला ले लो, ये थीटा जमा एंगल एक जमा एंगल दो, इन तीनों जोड़ 180, ये थीटा प्लस का इधर जाकर माइनस, तो एंगल एक प्लस एंगल दो, देखो एंगल एक और दो बराबर है ना, तो इसको भी एंगल एक ही लिख लो, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, एक और एक दो, एंगल एक बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, और दो बटे में चला जाएगा, तो एंगल एक बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, और दोनों के बटे में दो, तो एंगल एक हो जाएगा 180 डिग्री के बटे में दो, अलग अलग कर लेंगे, और थीटा के बटे में दो, ये कट जाएगा, एंगल एक बराबर 90 डिग्री और माइनस थीटा बटे दो, ठीक है, ये अभी इक्वेशन दो आ गया। अब ये इसका इस्तेमाल अभी करेंगे कहीं, अब देखो तुम्हें पता है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं ना, तो ये त्रिज्या ना इसके ऊपर लंब होता है ना, तो एंगल ओ पी टी, ओ पी टी 90 डिग्री होता है, तो इसमें दो कोण जुड़े हैं ओ पी क्यू, तो कौन जुड़ा है ओ पी क्यू और एक एंगल एक जुड़ा है, देखो है ना, ओ पी क्यू और एंगल एक, यही दोनों जुड़ के ओ पी टी बना है, तो हम ओ पी टी की जगह पे ओ पी क्यू और एंगल एक लिख देंगे बराबर 90। अब एक की जगह पे ये लिख देंगे समीकरण दो से एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल एक की जगह ये लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बटे दो बराबर 90। अब क्या होगा कि 90 से 90 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू माइनस थीटा बटे दो बराबर जीरो, ये माइनस क्या उधर जाके प्लस जाएगा, तो ओ पी क्यू बराबर थीटा बटे दो, ये दो इधर गुना हो जाएगा, तो दो गुना एंगल ओ पी क्यू बराबर थीटा, और थीटा को देखो हमने क्या माना था पी टी क्यू, तो मैं यहाँ पे वापस लिख दूंगा पी टी क्यू, तो पी टी क्यू इसको यहाँ लिख दो बराबर दुगना, यही प्रूव करना था ना ओ पी क्यू, तो आ गया ओ पी क्यू, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा है, ये प्रूफ करने वाला होता है, इस कोट का ना एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हम यहाँ पे यू लिख लेंगे, और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो साइन साइन का एलसीएम साइन थीटा ही आएगा, और ये ऊपर कोस माइनस वन ही रहेगा, तो कोस थीटा माइनस वन, ये होल स्क्वायर है ना, तो अलग अलग कर लो, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, अब देखो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस वन, और इसका हो जाएगा कोस थीटा माइनस वन, दो बार लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, नीचे वाला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, अब एक सूत्र लगाएंगे जो पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि मुझे साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए ये तो जाके माइनस आएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
तो इसमें फोन लग जाएगा, ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसा फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये चीजें आ सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इसकी जगह पे लिख देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा माइनस वन, ये भी हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस वन अपॉन में ये हो जाएगा वन वन प्लस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा। अब देखो ये इससे कट नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से ही माइनस कॉमन निकाल लेंगे, जब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे ना, तो ये एक एक आगे और एक कोस प्लस का था ना, वो माइनस हो जाएगा पीछे, ठीक है, इसमें से भी फिर एक माइनस कॉमन निकालोगे, तो ये माइनस का एक था वो प्लस का होकर आगे आ जाएगा, और ये प्लस का कोस था वो पीछे हो चला जाएगा, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा इससे कि एक से ये वाला, ये दोनों सेम है, कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बच जाएगा वन माइनस कोस थीटा, और अपॉन में बच जाएगा वन प्लस कोस थीटा। तो देखो यही हमें प्रूव करना था, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, तो ये आ गया वन माइनस कोस थीटा बराबर वन प्लस कोस थीटा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। लिखा है ना कि त्रिभुज ए बी सी में, अभी हम चित्र बनाते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने बना लिया यहाँ पे ए बी सी, तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी नब्बे है, तो ऐसे बना लेते हैं बी नब्बे है, ए बी सी में बी नब्बे है। अब ये कह रहा है ना कि बी सी पांच सेंटीमीटर है, तो क्या बोला कि बी सी पांच सेंटीमीटर है, फिर लिखा है ए सी घटा ए बी ये एक सेंटीमीटर है, फिर हमें क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी का मान, तो साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो हमें इसकी मान निकालना है, तो ज्ञात करना है लिख देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ए सी माइनस ए बी बराबर एक लिखा है, ठीक है, तो हम इसमें ना ए बी को एक्स मान लेंगे, तो माना ए बी को एक्स मान लेंगे, एक्स सेंटीमीटर, तो ए सी घटा ए बी की जगह एक्स रख देंगे बराबर एक, ये इधर जाके उधर प्लस आएगा, तो ए सी बराबर एक जमा एक्स, तो ए सी की जगह आ जाएगा एक जमा एक्स और ए बी जगह एक्स आ जाएगा। अब इसमें हम ना पाइथागोरस लगा देंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में हम पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे, तो पाइथागोरस परिमेय लगाओगे तो फॉर्मूला आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, लंब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और आधार हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, तो ए सी हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए बी हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और बी सी हो जाएगा पांच का स्क्वायर। उसके बाद देखो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पचम पच्चीस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक का स्क्वायर एक और दो एकम दो एक्स बराबर पच्चीस, ये उधर जाकर घट जाएगा, तो दो एक्स बराबर पच्चीस माइनस एक, तो दो एक्स बराबर चौबीस, दो से कट जाएगा एक्स की वैल्यू बारह, तो ए बी क्या हो जाएगी बारह, फिर हमें निकालना था ए सी, वो था वन प्लस एक्स, तो एक प्लस बारह, तो ये तेरह हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, साइन सी कोस सी, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, तो सी के सामने वाला लंब होगा, तो चित्र में देखेंगे सी के सामने वाला लंब हो गया ए बी बारह और कर्ण हो गया तेरह और आधार हो गया पांच, तो हम क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका बारह, कर्ण हो जाएगा तेरह, आधार हो जाएगा पांच और कर्ण हो जाएगा तेरह, तो हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित समीकरणों का, अभी एक खंड द आ गया आपका, ठीक है, निम्न समीकरणों का ग्राफ खींचे, इसका ग्राफ खींचना है और इन प्रश्नों के उत्तर देना है, ग्राफ से समीकरण का हल ज्ञात करना है पहले, तो फिर इन रेखाओं और वाई एक्स से बने त्रिभुज के भाग को छायांकित कीजिए, बस इसमें छायांकित करना है, शेडो करना है, ठीक है, वो भी वाई एक्स और इन रेखाओं के बीच वाला भाग को। देखो हमें कह रहा है ग्राफ से समीकरण हल ज्ञात करो, तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए हमें दो मान चाहिए, तो इसीलिए हम ऐसा बॉक्स बनाते हैं इसमें दो मान भरेंगे, तो माना
मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रख दी, तो मैंने यहाँ पे जीरो रख दिया, तो जीरो प्लस वाई बराबर पांच, तो वाई का मान पांच आ गया, तो जीरो पे वाई का मान पांच आ गया। दोबारा मानो, मैंने माना एक्स का मान इस बार दो, तो दो जमा वाई बराबर पांच, तो एक्स की जगह दो रख देंगे, दो जमा वाई बराबर पांच, दो उधर जा घट जाएगा, वाई बराबर पांच में से दो गया तो वाई की वैल्यू तीन आ गया, तो हमने दो रखा तो तीन आ गया। ऐसे यहां पर भी कुछ करना पड़ेगा, एक्स और वाई इसके अंदर मान लेते हैं कि माना एक्स की वैल्यू जीरो है, तो माइनस वाई जीरो माइनस वाई बराबर पांच, तो माइनस वाई बराबर पांच, ये माइनस उधर भेज देंगे तो वाई की वैल्यू माइनस पांच, तो एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू माइनस पांच। फिर दोबारा वही माना एक्स की वैल्यू दो, तो जब दो रख दोगे ना यहाँ, तो दो घटा वाई बराबर पांच, तो दो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर पांच घटा दो, माइनस वाई बराबर प्लस का तीन, ये माइनस उधर भेज देंगे, वाई की वैल्यू माइनस तीन। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू दो रखेंगे ना, तो माइनस का तीन आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ग्राफ से हेल्प करो, तो हम इसका ना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, तो ये रहा ग्राफ, क्या क्या मान आया है, तो एक आया है आपका जीरो पांच और एक आया है दो तीन, यहाँ पे क्या आया है जीरो माइनस पांच और यहाँ क्या आया है दो और घटा तीन। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले सबसे बड़ा मान पांच है, तो पांच पांच का गैप लेके बनाएंगे। तो अपनी पेंसिल से बनाएंगे, तो हमने ग्राफ बनाया ऐसे, ये एक्स एक्स था और अब वाई एक्स बनाएंगे, तो वाई एक्स हो गया, ये आपका मूल बिंदु ओ हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश। अब गिनती लिख देंगे यहाँ छोटी छोटी, एक दो तीन चार पांच छ, यहाँ घटा एक घटा दो घटा तीन घटा चार घटा पांच, फिर ऊपर एक दो तीन चार पांच छ ऐसी, फिर घटा एक घटा दो घटा तीन घटा चार घटा पांच घटा छ। अब क्या था पहला पॉइंट हमारा, जीरो पे पांच, तो ये रहा जीरो, पांच वाई ऊपर मिलेगा, एक दो तीन चार पांच यहाँ, तो ये हो गया जीरो पे पांच, फिर हो गया दो पे तीन, तो ये रहा दो और तीन ऊपर, एक दो तीन यहाँ पे, ये हो गया दो और तीन। अब ना स्केल से क्या करेंगे कि हम इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, तो हमने ऐसे बना दी, इस पे ना समीकरण का नाम लिख देंगे। तो समीकरण क्या था हमारा, तो x प्लस वाई बराबर पांच पहला समीकरण था ये, और दूसरा है जीरो पे माइनस पांच, तो जीरो पे माइनस पांच कहाँ आएगा नीचे, तो जीरो पे माइनस पांच, और दूसरा क्या था दो पे घटा तीन, ये रहा दो और घटा तीन नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो दो और घटा तीन। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, तो देखो ये यहां से जा रहे हैं, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर पांच। अब देखो ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, तो हमारा हल क्या हो जाएगा, तो जहां पर ही काट रहे हैं, तो कहाँ पे काट रहे हैं, तो पांच और जीरो पे काट रहे हैं, तो हल हो जाएगा एक्स के लू पांच और वाई के लू जीरो। क्यों, क्योंकि ये दोनों पांच और जीरो पे काट रहे हैं, तो आगे वाला एक्स का मान होता है पांच और वही होगा वाई का मान जीरो। अब बोला था कि इसको ना छायांकित कीजिए, बोला था इन रेखाओं और वाई एक्स, ये वाई एक्स था ना, तो इस वाई एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के भाग को छायांकित कीजिए, तो अपने पेंसिल से ये भाग हम छायांकित कर देंगे ऐसे, ठीक है। और पेपर में क्या होता है कि इसमें कई बार क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। बेस इसको ले लेंगे पांच पांच दस, तो बेस दस हो जाएगा, यहां से पांच यहां से पांच, तो आधार दस और ऊंचाई यहां से पांच, तो ऊंचाई पांच, तो पांच दाम 50/2 काट दोगे तो 25 यूनिट स्क्वायर। कई बार क्या होता है कि ये प्रतिच्छेदन बिंदु पूछ लेता है, तो इसको फिर नाम दे देते ए, इसको बी, इसको सी, फिर लिख देते ए बी सी, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, यदि ए और बी क्रम से इस ए और ये हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक याद करो, ताकि एपी एबी का 3/7 हिस्सा हो, एपी ना एबी का 3/7, ये इससे भी अनुपात निकाल लेंगे, ध्यान से देखना। और फिर ए पी रेखाखंड ए बी पर भी स्थित है, तो ये विभाजन सूत्र से सवाल होगा, तो हम ऐसे आकृति बना लेंगे ए और बी,
पहला पॉइंट होता है x1 y1, दूसरा होता है x2 y2 और P रेखाखंड AB पर स्थित है। और ये AP का क्या लिखा था कि AP बराबर 3 बटे 7 AB, AB बटे भेज दो, तो AP बटा AB बराबर 3 बटे 7। इसका ये मतलब है कि A और P की दूरी 3 है और A से लेकर B तक यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 7 है, यानी ये पूरी बिंदु 7 है और 3 केवल इतनी दूरी है। अब सोचो ये पूरा 7 है और ये 3 है, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये अनुपात आ गया ना 3:4। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पी बी निकालने के लिए यानी पी बी निकालने के लिए ए बी इस बड़े वाले ए बी में से ना ए पी घटा देंगे, तो ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा तुम्हारा 7, 7 में से क्या घटा देंगे 3, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः क्या लिख देंगे, अतः पी रेखाखंड ए बी को 3:4 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो ये आपका हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2 और P के निर्देशांक होते हैं आपके X और Y। P के निर्देशांक XY, पहला होता है ये X1 Y1, ये X2 Y2 और यहाँ पे विभाजन सूत्र लग जाएगा। तो विभाजन सूत्र होता है X निकालने का M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसी Y निकालने का होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो कैसे सोल्व किया जाए इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर एम वन, तो एम वन की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पे एम वन मिलेगा आपको 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुना एक्स टू, ये आगे वाला एक्स वन वाई वन है तो एक्स टू ये पीछे वाला होता है 2, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे प्लस एम टू, एम टू हो गया 4, तो 4 गुना एक्स वन, एक्स वन आगे वाला घटा 2, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आते। फिर एम वन प्लस एम टू, एम वन 3, एम टू 4, तो 3:4। ऐसी वाई वाला निकालेंगे, ये एक्स किसका मान निकलेगा, ये पी बिंदु का एक्स निकलेगा, ये वाई किसका निकलेगा, ये पी बिंदु का वाई निकलेगा। एम वन हो जाएगा 3 गुना वाई टू की वैल्यू -4 प्लस एम टू की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुना वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और बटे हो जाएगा 3:4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी -8 बटे 7, तो x हो जाएगा माइनस का 2 बटे 7, तो हो जाएगा 3 चौक -12, 4 दूनी -8 बटे 7, तो y की वैल्यू हो जाएगा माइनस प्लस, तो -20 बटे 7, तो p का निर्देशांक हो जाएगा -2 बटे 7 और -20 बटे 7। तो हमें पूछा था p के निर्देशांक, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 हो, एंगल बी 60 डिग्री हो, ए बी 6 सेंटीमीटर हो और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा इस त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। यह आपके 11वां चैप्टर कंस्ट्रक्शन रचना से है, इसको आप खुद कर ले, अगर नहीं हो पाता है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट होगा, वहां पे जाके आप इसको रिवाइज करके सीख सकते हैं। 38वां करते हैं हम, एक समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो और √3 का मान 1.732 लो। मान लेंगे कि ये ए बी ना लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस हो गया और पर्सन बोला था ये 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है ये 100 मीटर मान लो, तो इसके शिखर पर एक आदमी खड़ा है यहाँ पे है, तो यहां से जब देखेगा ना ये तो दो जहाज दिख रहा है, ये वाला एक बिंदु पे और एक मान लो इस वाले बिंदु पे दिख रहा है, तो ऊपर से बोल रखा है कि ओनियन कोण एक का 30 है, तो मतलब इसका 30 है तो ये 30 मान लो और फिर दूसरा क्या है 45, तो फिर ये भी क्या होगा 45, तो ऊपर से जो अवनमन कोण है ना वो 30 है, तो नीचे से ओनियन भी 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये ऐसे जेड बन रहा है, तो ये आपका ना संगत कोण होते हैं, सॉरी अंतर का अंतर कोण होते हैं, तो ये 30 है तो ये 30 और ये 45 है तो ये 45। अब बोल रहा है ना कि दोनों जहाज, जो ये दो जहाज है मान लो सी डी, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो हमें ज्ञात करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है यानी सी डी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम इसका नाम रख देते हैं, पहले
यहाँ पूरा लिखना पड़ता है कि माना ए बी लाइट हाउस की चाहिए 100 मीटर तथा ऊपर से अवनमन कोण 30 डिग्री है तो अन्यन कोण ए डी सी बी भी 30 होगा, फिर ई ए सी 45 है तो ए सी ई भी 45 होगा क्योंकि ये दोनों अंत एकांतर कोण है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ज्ञात करना है ये, ठीक है तो मैं ये आगे कराता हूँ। त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे पहले, ये वाला तो इसके अंदर हम 10 ले लेंगे क्योंकि हमें लंब और आधार से मतलब होगा, क्योंकि ये टेढ़ी लाइनें हैं इनको निकालने का कोई फायदा नहीं है तो हमें लंब और आधार से ही मतलब है तो हम ले लेंगे 45 डिग्री। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, अगर ये याद नहीं हो तो ऐसे याद करें, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो ये जो पहला होता है लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा होता है, ये धार बटे कर्ण कोस थीटा और ये लंब बटे धार टेन थीटा, तो लंब बटे धार क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी और आधार हो जाएगा आपका बी सी बराबर 10 45 मान 1 होता है तो 1 बराबर ए बी, ए बी का मान 100 बटे बी सी तो गुना हो जाएगा तिरछा तो बी सी का मान 100 मीटर। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, बी सी 100 आ गया मान लो, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी, तो बड़ा ट्रायंगल ए बी डी में इसके अंदर भी हम 10 30 डिग्री ले लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा इसके सामने वाला ए बी और आधार हो जाएगा इतना बड़ा बी से लेकर डी, 10 30 का मान 1/√3 होता है और ए बी 100 दिया हुआ था और बटे बी डी तिरछा गुना हो जाएगा तो बी डी का मान हो जाएगा 100√3। अब बी डी के टुकड़े कर सकते हैं, बी डी में दो टुकड़े आ रहे हैं, एक बी से सी और एक सी से डी, तो हम ना बी डी जगह लिख देंगे बी से सी और सी से डी, ठीक है, यानी बी डी को हम बदल के लिख देंगे बी सी जमा सी डी, ठीक है ये भी वही रहेगा, फिर होगा 100√3। अब देखो बी सी का मान यहाँ 100 था आया था, यहाँ 100 रख दो, 100 + CD = 100√3, ये 100+ का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो सी डी बराबर 100√3 और ये घट जाएगा 100, तो 100 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 - 1 CD। अब हमें कहा था कि √3 का मान 1.732 यूज करना है, ठीक है तो हमें CD निकालने के लिए अभी क्या आया 100√3 - 1 आया, तो 100√3 की जगह 1.732 ले लेंगे घटा 1, तो जब 1.732 यानी 1.732 में से 1.000 घटाओगे तो 0.732 आएगा, ठीक है एक के पीछे कुछ नहीं होता तो 0.00 मान सकते हैं, फिर घटाओगे ना तो यह आएगा तो गुना हो जाएगा 0.732, अभी गुना कर दोगे तो आ जाएगा 73.2 मीटर, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी आ जाएगा, तो लेते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतना आ जाएगा, ठीक है इतने मीटर है। एक खोखला गोला, मतलब एक कोई खोखला गोला होगा जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ है 4 और 8 है, को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु में बदला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों ज्ञात करो। तो ये जो पिघलाकर कोई चीज नया बनाते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपके 10th में ना सिलेबस में है, आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है, तो इसीलिए जो पिघला के ऐसा ऐसा बनता है इसको जरूर पढ़ो। अभी लिखा है कि एक खोखला गोला, तो खोखला गोला ऐसा होता है ना कि जैसे एक अंदर भी गोला होगा और उसके बाहर भी एक गोला होगा, तो इसके अंदर अब 2 रेडियस हो गया, एक अंदर वाला R1 एक बाहर वाला R2, तो इसने बोला था कि उसकी आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास, अंदर वाला जो व्यास है ना, अंदर वाला व्यास कितना है 4 और बाहर वाला व्यास कितना है मान लेते हैं 8, तो अंदर वाले की रेडियस रहेगा 4 का आधा 2 और बाहर वाले की रेडियस रहेगा 8 का आधा 4। अब कह रहे ना कि ये जो गोला था जो कि खोखला गोला है, अब इस खोखले गोले को ना पिघलाया होगा, ठीक है तो पिघलाया होगा तो इसका आयतन निकालेंगे, और पिघलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाला शंकु बदला गया है, तो इसको पिघलाकर हमने एक ऐसे शंकु बनाया है तो इसका व्यास कितना है 8, तो त्रिज्या जाएगा आधा 4। तो कह रहा है इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है तो एक तो इस शंकु की ऊंचाई निकालना है और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये वाला सलांट हाइट LB निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे ना कि जो खोखले गोले का आयतन होगा, खोखले गोले का जो आयतन होगा
वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन का, तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। देखो खोखले गोलन का आयतन कैसे निकालेंगे, इस बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, तो लिख देंगे बाहरी गोले का आयतन और उसमें से हम घटा देंगे आंतरिक गोले का आयतन और फिर शंकु का आयतन के बराबर लिख देंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बाहरी गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर 2 का स्क्वायर और माइनस 4/3 पाई आर 1 का स्क्वायर। तो बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटाएंगे, तो बाहर वाले की त्रिज्या आर टू मानी थी तो इसलिए आर टू लिखिए, और अंदर वाले की आर वन मानी थी तो इसलिए आर वन। अब हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन निकालेंगे तो हम 4/3 पाई कॉमन पा लेंगे, तो आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, तो 4 बचेगा और आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। आर टू कितना दिख रहा है आपको यहाँ, 4 और आर वन 2, तो यहाँ 4 का स्क्वायर घटा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी थी 4, तो 4 × 4 और ऊंचाई निकालना है, तो 4 × 4 का स्क्वायर 4 × 16 घटा 2 × 4 बराबर 4 × 16 गुना ऊंचाई, तो 4 × यह आ जाएगा 16 × 4 = 12, तो 12 बराबर 16 गुना ऊंचाई। अब क्या होगा, इसे काटेंगे, 12 × 48 तो हो जाएगा आपका 48 बराबर 16 गुना ऊंचाई, तो 48 बराबर क्या हो गया 16 गुना ऊंचाई, तो 16 × 3 = 48 तो ऊंचाई 3 आ गया। अब मुझे इसकी ऊंचाई क्या पता चल गया, 3 पता चल गया, तो हम एल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, √h² + r² एच हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे अभी निकाला था 3, तो 3 का स्क्वायर और रेडियस देखो 4 दिया था, 4 का स्क्वायर तो 3 × 9 4 × 16 यानी √25 और 25 रूट का क्या आ जाएगा 5, तो तिरे की ऊंचाई 5 हो जाएगा और ऊंचाई 3 हो जाएगा, तो ऊंचाई 3 आ गया, तिरे की ऊंचाई 5 आ गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कह रहा निम्न बंटन का माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए, हमें इसका ना माध्य और माध्यक दोनों निकालना है, तो ये आंकड़े कैसे लिखे हैं, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, फिर ये बारंबार था 3, 6, 9, 13, 18, 5, 4, ठीक है, तो करते हैं इसको। ये हमने ना क्लास इंटरवल वर्गांतरा लिख लिया, ठीक है, और ये बारंबार था यानी आवर्ती लिख ली। अब देखो हमें माध्य निकालने के लिए पहले चाहिए xi यानी मध्य मूल्य, तो कैसे चाहिए आपको मिड वैल्यू मध्य मूल्य, तो इनको जोड़ के आधा करेंगे, तो 13 और 11 क्या होता है 24, 24 का आधा 12, सब में दो दो का अंतर है तो दो दो जोड़ते जाओ, 12 × 2 = 16, 18 + 20 = 22, 24। अब हम इसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे करूंगा पद विचलन विधि, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे अब, तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही कर देता जाओ, इसको गुना कर लो तो fi xi, इसे गुना कर लिया हमने तो इसे 12 × 3 = 36, ये गुना कर लो 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, 84, तो इसे गुना कर दो 16 × 9 = 144, फिर ये गुना करो तो 13 को 18 से गुना कर लो, 3 × 8 = 24 = 4 = 2, 8 × 8 = 10, 3 × 1 = 3 और 1 × 1 = 1, 4 × 3 = 2, 234 आ गया, ये हो गया 360, ये हो गया 110 और ये हो जाएगा 96। अब क्या करेंगे ना, ये सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा σfi xi, ये सबको जोड़ो 6 × 4 = 10, 4 × 14 = 4, 18 × 18 = 6, 24 × 4 हासिल गया 2, 2 × 3 = 5, 5 × 8 = 13, 13 × 4 = 17, 20, 20 × 6 = 26, 26 × 1 = 27, 27 × 36 = 6 = 3, 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 3 = 9 × 1 = 10, तो 1064 आ रहा है। तो माध्य निकाल लेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है σfi xi / σfi, अब इसको जोड़ लो तो σfi, 3, 6, 9, 9 = 18, 18 = 36, 36 × 9 = 45, 45 × 13 = 58 आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1064 को ये 58 आ रहा है,
इससे भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसे भाग कर देंगे 58 को, 1064 को 58 से भाग करेंगे तो 58 दुनी में ज्यादा चला जाएगा लग रहा है, 58 एकम 58 ले लो। इधर से हासिल हो, 16 में से 8 गया हार, 9 में से 5 गया 4, हासिल आया 4। फिर यहाँ पे ले लेते हैं 58 को 8 बार करते हैं, 8 64 का 4, हासिल 6, 8 8 4 6 46, तो ये आ रहा है 8 बार में 464। ये घटाओगे 20 आ रहा है, फिर पॉइंट लगा देंगे 0, फिर 3 बार में आ जाएगा, तो बस ये आपको हो गया 18.3। और भाग कर लो, थोड़ा और कर लेते हैं, 3 8 24 का 4, हासिल 2, 3 5 15 10 17, इसे घटाओगे ना तो 6 2 26 आएगा, फिर 0, फिर ये 4 ले लेंगे, ठीक है। बस इतना इतना आंसर मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसी में ना एक CF का कॉलम बनाएंगे। CF कैसे निकालते हैं, संचय आवर्ती, इसको जोड़ो 3 3 6 9 9 9 18 18 में 13 जोड़ो, 31 31 में 18 जोड़ो, 49 49 में 5 जोड़ो, 54 54 4 58। अब देखो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, n बटे 2वां पद, तो n कितना आ रहा है, तो n आ रहा है कितना, 58 58 बटे 2 काट दो, 2 2 4 2 2 18, 29वां पद। अब 29वां पद CF में 31 के पास आता होगा, तो लिख देंगे ना कि 29वां पद CF में 31वें पद में स्थित है। अब ना F के इसके सामने वाला ना ये L1 हो जाएगा, तो L1 क्या हो जाएगा, 17, फिर इसके सामने वाला ये F1 हो जाएगा, तो F1 क्या हो जाएगा, 13, और 31 के ऊपर वाला CF हो जाएगा, तो CF क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। तो ये आपका L1 हो जाएगा, 31 के सामने वाला L1, ये F, इसके ऊपर वाला CF, और H क्या हो जाएगा, इन सब में 2-2 का अंतर है 2, और N बटा 2 कितना आया था, 29 आया था। तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा, माध्यक का L1 प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F और गुना H। तो L1 कितना है, 17 जमा N बटा 2 29 आया था घटा CF, CF है 18 बटे F कितना है, 13 और गुना में H यानी ऊंचाई 2। 17 जमा देखो 29 में से 18 गया तो 11 बटे 13 गुना 2, तो 11 दुनी 22, तो 22 बटे 13। अब 13 के पारे से ना 22 को भाग दो, 13 एकम 13, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 13 6 78, फिर आ जाएगा आपका 13 निम्न 117, तो इसको आ जाएगा 17.169, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18.69, तो आपका इतना आ जाएगा माध्य, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया था 31वें पद में स्थित है, तो 31वें पद में नहीं, 31 के सामने जो ये वर्ग अंतराल आ रहा है ना इसमें स्थित है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 29वां पद वर्ग अंतराल 17 से 19, यहाँ पे आया था ना 17 से 19, तो वर्ग अंतराल 17 से 19 में या उसके बीच स्थित है, ठीक है। तो बस आपको इतना लिखना है, इसको काट देना, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके जरूर बताएं।